तुम्हें पता है, उसको सिर पर ऐसे ही मारा गया था, एक मजबूत चीज से। क्या तुम्हें समानता अजीब नहीं लग रही है याकूब लाटोनुच? हालांकि यदि हथियार एक जैसे होते तो भी मुझे हैरानी नहीं होती। ये लाश केयरटेकर को मिली, पर उसने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। उसने कहा कि उसने कुछ नहीं देखा। ये तो बहुत बुरा हुआ। ये पूरी शाम तो रसोई में काम कर रही थी और अचानक ये सब। क्या वो कहीं बाहर गई थी? हाँ, कचरा फेंकने के लिए, लेकिन ये वापस नहीं आई तो मुझे लगा ये कमरे में चली गई होगी, लेकिन मैं तो अपने कमरे में ही थी। क्या तुम बाहर गई थी? हाँ, मैं शायद एक बार गई थी बाहर। तुम्हें अंदर किसने बुलाया? मालेडी ने मुझे 3 बार बुलाया और फिर मैं जल्दी सोने चले गए और फिर उन्होंने मुझे बुलाया था। याकूब लाटोनुच, ये 2 घंटे पहले ही मर चुकी थी। इसका मतलब है तकरीबन 8 बजे इसकी मौत हो गई थी। ये क्या हो गया? विकेंटी एंड्रोविच, पाखोमोवना को आपने आखिरी बार कब देखा था? मैंने इसे सवेरे से ही नहीं देखा। तुम सच कह रहे हो? कहीं आप ये तो कहना नहीं चाहते कि ये खून भी मैंने किया है? आप लोग चुप क्यों हैं? मुझे बताइए, कहीं आप लोग यही बात तो नहीं सोच रहे हैं? तुम शांत हो जाओ, हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। इसे लेकर जाओ। यस सर, आइए मेरे साथ आइए। नहीं। और तुम सुनो, उस आदमी को यहां भेजो। ठीक से याद करो और बताओ कि क्या हुआ था। याद करने वाली क्या बात है, मैं चक्कर लगा रहा था और बस इसे देखा। हाँ, उसके बारे में बताओ कि तुमने किसी ऐसे इंसान को देखा जो यहाँ पे नहीं था। हाँ, थोड़ी देर पहले एक लड़का अंदर झांक रहा था। अच्छा, फिर? मुझे लगा कि वो एक दुकानदार का असिस्टेंट है या फिर कोई सामान बेचने वाला है। मैंने इससे पहले उसे नहीं देखा था। क्या वो लड़का पाखोमोवना को पहले से जानता था? शायद हार्बर डैशरी से, जो उसका दोस्त है, वो क्लर्क है, वो उसके साथ चाय पीती थी। थैंक यू, तुम जा सकते हो। इसे लेकर जाओ। याकूब लाटोनुच, क्या हम घर की मालकिन से बात करने चलें? अभी नहीं, वो काफी बीमार है, उन्हें परेशान करने की जरूरत नहीं है। एक काम करते हैं, कल सुबह उनसे आकर बात करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, तैयार रहो, मैं आ रही हूं। याकूब लाटोनुच, आप जाकर हैबर डेशरी से बात कीजिए ना, और तब तक मैं यहीं पर रुक जाता हूँ। ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ। आ जाओ, आ जाओ, अंदर आ जाओ। स्वागत है एंटोन एंड्रोविच। मैं यहाँ पर किसी काम से आया हूँ। हम तुम्हारे दोस्त के मौत की पूछताछ करने आए हैं। हाँ, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। हाँ, समझ में नहीं आता कि उसके साथ आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। वो दिल से बहुत अच्छी थी, गरीबों का बहुत ख्याल रखती थी,
ये है याको प्लोटोनोविच, जासूस हैं। लोग कहते हैं कि वो आपसे मिलने आती थी। हाँ ये सच है, वो कभी कभी मुझसे मिलने आती थी। आखिरी बार उससे कब मिले आप? मैं उससे कल ही मिला था। दरअसल वो सुसानो के बारे में शिकायत कर रही थी। वो उस अनाथ लड़के को खाना देती थी और ये उसका रोज का काम था, पर उसने घर आने से मना कर दिया था और इसीलिए मुझे लगता है कि वो उससे गुस्सा हो गई थी। क्या वो उस लड़के से थोड़ी परेशान सी थी? ये तो मुझे नहीं पता, पर सुसानो और उसके बीच में जबरदस्त झगड़ा हुआ था। अब ये झगड़ा किस लिए हुआ था इस बारे में मुझे नहीं पता। आपका मतलब है उन दोनों ने आपके सामने झगड़ा किया? अब पखुमोबना मेरे लिए सुई लेकर आई थी, लेकिन वो उसे वापस ले जाना भूल गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं ये सुई उसे वापस कर देता हूँ। फिर मैंने वहाँ झगड़ा करते हुए देखा। उस लड़के को आपने दोबारा देखा? नहीं, कभी नहीं देखा। अगर वो लड़का यहाँ पर आए तो आप तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। क्या उसने कुछ गलत किया है? नहीं, हम उसे अनाथालय भेजना चाहते हैं। अच्छी बात है, गुड बाय। आप यहीं रुकिए, मैं वापस आ सकता हूँ। वैसे कब वापस आने वाले हैं आप एंटोन? एक्सक्यूज मी, दरअसल वो थोड़े बिल के पैसे भरने को बाकी हैं। दो रुमाल और एक दर्जन मोजे, और ये बिल तो काफी पुराना। हाँ मुझे याद है, आप चिंता मत कीजिए। देखिए जैसे ही मुझे मेरी तनख्वाह मिल जाएगी तो मैं आपको पूरे पैसे। आप ये बिल लेकर जाइए, आपको याद रहेगा। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पाखुमोबना एक नौकरानी के साथ एक लड़के के लिए आखिर क्यों लड़ेगी? सर वो उसके साथ मिलकर कुछ तो प्लान कर रही होगी, या फिर सुसेना करती होगी, या शायद सुसेना तातारिनोव के साथ कैहुट्स में थी, ऐसा हो सकता है। क्यों? तुम सारे पड़ोसियों से बात करो और क्लर्क से भी बात करो, शायद उन लोगों ने किसी अनजान इंसान को देखा हो। मैं तुम्हें ऑफिस में मिलता हूँ। पड़ोसी और क्लर्क। एना विक्टोरिना, एक्सक्यूज मी, मैं विकेंती ततरिनोव हूँ। मैं बहुत दिनों से आप ही को ढूंढ रहा था। मैं छिप नहीं रही हूँ। लेकिन मैं छिप रहा हूँ। कल रात जो कुछ भी हुआ उन्हें लगता है कि मैं खूनी हूँ। कल रात? आपको नहीं पता क्या? पखुमोबना मेरी आंटी की नौकरानी का खून हो गया है। बहुत बुरा हुआ। मैं यहाँ उस वजह से नहीं आया हूँ, दरअसल मुझे आपकी सलाह की जरूरत है। तुम्हारा मतलब क्या है? आत्माएं, मैंने अपनी आंटी को, जिनका नाम बेनित सिनोवा है, उन्हें अपने कमरे में एक बच्चे से बात करते हुए सुना। वो उससे बातें कर रही थी और वो उसका जवाब दे रहा था। क्या तुमने उसकी आवाज सुनी? साफ साफ सुनी, मेरे कान बहुत तेज हैं। लगता है वो उसका मरा हुआ बेटा पेट्रोशा ही था, इसीलिए वो उससे इतने प्यार से बातें कर रही थी। वो किस बारे में बात कर रहे थे? मैं कुछ समझ नहीं पाया, मुझे वहाँ पर रुककर सुनना चाहिए था। मैं अपने कमरे में सोया था, फिर मुझे आंटी के कमरे से कुछ आवाज़ सुनाई दी, फिर मैं वहाँ देखने गया कि वो आखिर किससे बातें कर रही हैं। और तुम्हारी आंटी का क्या, उन्होंने क्या कहा? कुछ भी नहीं, बस वो मुझ पर गुस्सा हो गई और जाने के लिए कहा। अगर वो एक आत्मा थी तो तुम उसे सुन नहीं सकते हो। इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ एना, क्या आप मेरी मदद करेंगी? आपके अलावा भला और कौन मुझे आत्माओं के बारे में समझाएगा? आओ, पित्रा बेंसिनोव की आत्मा आओ। आओ, पित्रा बेंसिनोव की आत्मा आओ। पित्रुषा, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मुझे जवाब दो प्लीज। आ जाओ। पित्रुषा, क्या तुम अपनी माँ से मिले थे?
तुम उनके साथ बात कर रहे थे? वो मेरे खिलौने से खेल रहा था। कौन? वो मेरे कमरे में आता है और मेरे खिलौने से खेलता है। दिलचस्प है। अगर पेट्रूशा उस बूढ़ी औरत को मिलने नहीं जाता तो फिर कौन जाता है? एक बहरूपिया? हमें बेनेट सुनोवा के घर पे नजर रखनी होगी। अब वो हम कैसे करेंगे? तुम जानती हो कि वो अपने घर के करीब हमें बिल्कुल नहीं आने देगी। हमें उसकी जरूरत नहीं है। अंदर आ जाओ प्लीज। आओ। मैंने दरवाजे के हैंडल पर तेल लगा दिया है, अगर जरूरत पड़ी तो। फिर भी हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अगर आंटी को पता चला तो बहुत बदनामी होगी हमारी। मैं तो कहीं का नहीं रह जाऊंगा। तुम्हारे पास ये एक आखिरी मौका है अपने आप को बेगुनाह साबित करने का और असली खूनी को पकड़ने का। तुम जा सकते हो, आगे हम संभाल लेंगे। जाओ अंकल। वो पक्का बेनेट सुनोवा के कमरे में आएगा। मैं ऊपर जाकर दरवाजे के पास खड़ी रहती हूँ और आप मेरा यही इंतजार कीजिए। मैं तुम्हें वहाँ अकेले नहीं जाने दे सकता। आप मेरी चिंता मत कीजिए। रुकिए। यही इंतजार कीजिएगा। बाय। रही आत्मा। रुको, मैंने कहा रुको। अंकल, वो भाग गया। लगता है इस आत्मा को कला का बहुत शौक है। हाँ, और हम उसे छू भी सकते हैं। वो बहुत शोर करता है। एक जिंदा शैतान है वो। वो जिंदा है। कौन है ये लोग? कौन हो तुम लोग? यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? ये मेरा घर है, निकल जाओ यहाँ से। मैं पुलिस को बुलाऊंगी, निकल जाओ। शांत हो जाइए आंटी, आप शांत हो जाइए। मैंने ही इन्हें बुलाया है। मैं जानना चाहता था कि हमारे घर में रात में कौन आता है, ये इसका पता लगा। अरे लेकिन तुम होते कौन हो ऑर्डर्स देने वाले? बताओ मुझे कौन हो तुम? हाँ, निकल जाओ यहाँ से। हम जानना चाहते थे कि आपसे मिलने रात को कौन आता है, बस और कुछ नहीं। और हमने उसे पकड़ भी लिया था लेकिन वो भाग निकला। वो अब कभी वापस नहीं आएगा। वो मेरा बेटा पेत्रुशा था। तुम्हारी गलती है, सब तुम्हारी गलती है। बहुत ही बुरे इंसान हो तुम, सच में। रुकिए, शायद वो पेत्रुशा नहीं था, वो कोई और लड़का था। नहीं नहीं, वो मेरा बेटा पेत्रुशा ही है।
मेरे बेटे के साथ बात करने की बस एक ही खुशी थी मेरे पास। मैं हर रात उसका इंतजार करती थी, लेकिन अब तुमने उसे भी भगा दिया। क्या मिला, क्या मिला तुम्हें? विनित सनोवा को लगता है कि वो अपने मरे हुए बेटे की आत्मा को देखती है, पर सच ये है कि वो जिंदा लड़के से मिलती है। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? क्या तुमने उस पे नजर रखी है? सच कहूं तो हाँ, पर वो भाग गया। तुम्हारी लापरवाही की वजह से तुमने उसे भागने दिया। अगर तुम सावधानी से काम करती तो ये पॉसिबल था कि हम उसके बड़े साथियों तक भी पहुंच सकते थे। बड़े साथी? अगर ये प्लान्ड है तो इसके पीछे जरूर किसी बड़े आदमी का हाथ है, क्योंकि एक छोटा लड़का ये सब कुछ नहीं कर सकता। ये लो, भागते समय ये लड़के के हाथ से खो गया था। याकोब प्लोटोनविच, पेंजा और सरातोव से चिट्ठी आई है। सुजाना सच में एक डॉक्टर और व्यापारी के यहाँ काम करती थी। वहाँ की पुलिस को उसके खिलाफ कुछ नहीं मिला है। ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि वो खूनी है, कोई भी सुराग नहीं मिला, तो इससे कुछ साबित नहीं होता। एंतुरा एंद्रेविच, एना हमारे लिए कुछ लेकर आई है। पता लगाओ कि इस तरह के तार का उपयोग आखिर कहाँ किया जाता है। वेयर हाउसेस, वर्कशॉप्स, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, हर जगह जाओ, कहीं तो हमें कुछ सुराग मिलेगा। ये तो कॉपर है। क्या ये उसे पकड़ने में मदद करेगा? हालांकि ये सुराग है, लेकिन इससे क्या पता चलेगा? एंटोन एंद्रेविच, तुम वक्त बर्बाद मत करो। ओके, गुड बाय। मुझे ये समझ नहीं आता कि ये सब करने की जरूरत ही क्या है। देखो है ना, ये जरूरी है कि हम कुछ ऐसा करें कि बेनेट सिनोवा हरकत में आए और हम उसके मकसद को पहचान सकें। तब शायद अपराधी हमारे हाथ में आ जाएंगे। मैं उससे दोबारा बात करूंगा, शायद कोई नया सुराग मिल जाए। मुझे नहीं लगता कि ये सब इतना आसान होगा मेरा उसके घर में जाने के बाद। तुम्हें उसके घर में नहीं जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, वार्ड देके तुमने अच्छा काम किया है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि वो अभी तक जिंदा है? वो जिंदा है, वो जिंदा है, मेरा पेत्रुशा जिंदा है, जिंदा है वो। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अपने आप को धोखे में मत रखिए। देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि कोई दूसरा लड़का आपके बेटे की जगह ले रहा हो और कोई दूसरा लड़का आपको धोखा दे रहा हो। कोई और लड़का? क्या मतलब है तुम्हारा? वो बिल्कुल उसी की तरह दिखता है, वो मेरे पेत्रुशा की तरह। वो पेत्रुशा नहीं है? नहीं, मेरा बेटा नहीं है। तुम्हें किसने मारा? जवाब दो, किसने मारा? अब
प्लीज मुझे बताइए कि आप उस लड़के के बारे में क्या कह रही थी। शायद वो मुसीबत में हो। मुसीबत में है? वो किसी अपराधी के हाथ में है। आप जो कुछ भी जानती हैं हमें बताइए, शायद उससे हमें मदद मिल सके। वो मेरे भतीजे और उसकी पत्नी से बहुत बहुत जलता था। ततारिनोवा और सीनिया? हाँ, से हाँ, वो कहता था वो बुरे लोग हैं और वो मुझे प्यार नहीं करते। वो चाहता था वो ये घर छोड़कर चले जाए। और इस बात के लिए आप उनके खिलाफ हो गई? वहाँ कुछ चिट्ठियाँ रखी हैं, प्लीज जरा लेकर आओ। वहाँ रखी हैं चिट्ठियाँ हैं वहाँ। इसमें भी उसके बारे में बुरा लिखा है। उसे मेरी परवाह नहीं है, उसे सिर्फ मेरे पैसे चाहिए। उसे मतलब मेरे भतीजे को, उसे सिर्फ पैसे चाहिए और कुछ नहीं। बिल्कुल सही। इस चिट्ठी के मुताबिक तो आपका भतीजा एक बहुत बुरा आदमी है। कोई नहीं चाहता था कि उसे विरासत में कुछ भी मिले। मेरे और कोई वारिस नहीं है, बस मैं और वो ही हैं, और कोई नहीं। ठीक से याद कीजिए, क्या कोई और हो सकता है? नहीं, और कोई नहीं है। शायद पाखोमोवना को कुछ उम्मीद थी, लेकिन जब यहाँ पर आपका भतीजा आया तो उसने गुमराह करने के लिए चिट्ठियाँ लिखी। पाखोमोवना? नहीं, वो लड़की तो अनपढ़ थी। एंटोनिना मार्कोवना, क्या आप घर पे कीमती सामान रखती हैं? उससे आपको क्या, मेरे घर में क्या है? मैं वो कहाँ रखती हूँ, आपको क्या लेना देना? याकूब प्लेटनविच, खूनी को खांसी है। क्या? शायद उसे टीबी हो सकती है। शायद नहीं भी हो सकती है। मैंने कहा उस खूनी को टीबी है। तुमसे ये किसने कहा? नौकरानी ने। अजीब बात है, उसने मुझसे तो ये सब नहीं कहा। रुकिए। अच्छा, वो आप यहीं पर मिल गए। सिर्फ नई दुकान ही इस तरह का तार बेचती है, जैसे कि कुरिलिन एंड सन्स। बहुत अच्छा काम किया तुमने एंटोन। एक बात और, कोई पाखोमोवना को ये गुमनाम चिट्ठियां भेज रहा है, पता लगाओ कि वो कौन है। वो कैसे? चिट्ठियों की लिखावट को पहचानने की कोशिश करो, तुम पक्का किसी सुराग तक पहुंच जाओगे। याको प्लेटनविच। हाँ बोलो। दरअसल मुझे आपको ये बताने की कोई जरूरत नहीं है कि वो किस प्रकार का आदमी है। देखिए ना, इतनी गलतियां देके वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, और साथ में समझ में वो थोड़ा छोटा सा इंसान लगता है। ये देखिए, ये लिखावट हमें उसके बेईमानी रवैये के बारे में बताती है। ये टेढ़े अक्षर ये बताते हैं कि एक छोटा आदमी, छोटे बाल वाला आदमी, बहुत ही छोटे बाल। शायद तुम्हें छोटे लोग ज्यादा पसंद है। नहीं, तुमने अभी छोटे अक्षरों से उसकी तुलना की, इसलिए मैंने कहा। याकूब प्लेटनविच, आपने सब कुछ बिगाड़ ही दिया है। मैं तो मजाक कर रहा था, ये मेरी पंच लाइन थी, और ये मैं अंत में कहने वाला था। तो तुम्हारी बात खत्म हो गई हो तो क्या मैं इन्हें ले सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। एंटोन एंड्रियोविच, तुम उदास मत हो, तुम सच में बहुत मजाक किया हो। सर जरा इसे देख लीजिए। तुम सच कह रहे हो, उसकी लिखावट थोड़ी कमजोर सी है। चलो चलिए। दरअसल पाखोमोवना को लिखना नहीं आता था, और इसीलिए उसने मुझसे मदद मांगी, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है। तुम्हें ये गलत नहीं लगा? तुमने ये क्यों किया? मैं उसे दुखी नहीं करना चाहता था। तुमने पाखोमोवना को उस लड़के के पास क्यों भेजा, ये बताओ। मैं ऐसे किसी लड़के को नहीं जानता। ऐसे कैसे नहीं जानते? आपने तो कहा था कि आप उसे देख चुके हैं। अरे हाँ, मैंने कई बार दूर से गरीब लड़के को देखा था। पाखोमोवना उसे प्यार करती थी, बस इतना ही पता है। झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। याकूब प्लेटनविच, देखिए ये कैसे अपनी उंगलियां हिला रहा है। एंटोन, जरा इसकी बॉडी लैंग्वेज को ठीक से स्टडी करो, क्योंकि मुझे इसकी आंखों में कोई प्लान नजर आ रहा है, तो मुझे सच बोलो। मैं क्या प्लान करूंगा, मेरा इससे क्या लेना देना। पाखोमोवना ने अपनी मालकिन के बारे में क्या बोला?
वो उसकी शिकायत कर रही थी कि इस बेनिट सिनोवा का दिमाग उसके पैसे की वजह से बिगड़ गया है। उसे लगता है कि हर किसी को उसके पैसे चाहिए। उसने योरोशका को निकाल दिया था जबकि मालिक जिंदा थे। ये योरोशका कौन है? योरोशका उनका नौकर था, यरोफे कलाचियोव, एक वैले, एक कोचमैन, एक जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। वो कहाँ रहता है? मुझे नहीं पता, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि वो बाजार में जो पब है वहाँ पे होता है। ठीक है, किसी और के नाम से चिट्ठियां लिखने के लिए तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। मुझे यकीन है कि उसने और पेकोमोवना ने मिलके ये सब कुछ किया है और इस बात की मैं पूरी गारंटी देता हूँ। एंटोन, इतनी जल्दी हम किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सकते। मुझे लगता है कि कुछ और गड़बड़ है। तुम एक काम करो, यरोशोवा को ढूंढो, हमें उससे बात करनी होगी। अच्छा ठीक है, क्या आप प्रेकिंग जा रहे हैं? नहीं, मैं अभी गोदाम पर जा रहा हूँ। एना, क्या तुम साथ चलना चाहोगी? हाँ, क्यों नहीं। एंटोन, तुम पब जाओ और यूरोफे कलाचेव से पता लगाओ कि वो क्या कह रहा है। हाँ, उसकी जॉब के पीछे कोई तो वजह होगी। मैं पता लगाता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, चलते हैं, आओ। हे वानिया, तुम कहाँ हो? बोलो वानिया, तुम मुझे सुन सकते हो? वानिया, वानिया, तुम मुझे सुन सकते हो? कहाँ हो वानिया, कहाँ हो? कहाँ हो वानिया? मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। वानिया, कहाँ छुपे हो? वानिया, हो सकता है कि वो लड़का जो खुद को आत्मा मानता है वो हमें इसी गोदाम पर मिल जाए। तुम्हें कैसे पता? मुझे एक अजीब सा यकीन है कि वो तार यहीं पे होगा। ये गोदाम उनके छुपने के लिए एक बहुत अच्छी जगह है। ऐना, हो सकता है कि वो लोग अंदर ही हों। अच्छा तो चले। नहीं ऐना, अगर मैं जाऊंगा तो वो मुझे देखकर भाग जाएगा। शायद तुम्हें देखकर ना भागे। तुम अंदर जाना और उससे कहना कि बेन सिनोवा ने उसके लिए एक संदेश भेजा है और वो चाहती है कि वो उसके साथ ही रहे। तुम्हें उसे कन्विंस करना होगा। लेकिन ये सच नहीं है। तुम्हें झूठ बोलना होगा, नहीं तो वो कभी भी बाहर नहीं आने वाला। कोई उस लड़के का इस्तेमाल कर रहा है ना। हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। चलो अंदर चलते हैं। हम इस गोदाम के मालिक को नहीं बुलाएंगे। उसका वक्त नहीं है, मैं उससे बात कर लूंगा। याकूब प्लेटनविच,
बेटा, मेरा नाम एना है। मुझे यहाँ पे एंटोनिना मार्कोवना ने भेजा है। वो चाहती है कि मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊं। वो चाहती है कि तुम उसके साथ रहो हमेशा के लिए। तुम समझ रहे हो? हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहती है। प्लीज तुम डरो मत बेटा। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। प्लीज बेटा डरो मत और बाहर आ जाओ। वो यहाँ नहीं है। याकूब प्लातोनोविच, ये देखो, तुम सच कह रहे थे, यही उसके छुपने की जगह है। रुको! रुक जाओ! ये वही था, ये उस लड़के को मारने आया था। शायद हमारा शक सही निकला। इस पूरे हादसे के लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए गाड़ी मंगवा देता हूँ, तुम घर चली जाओ। नहीं, मैं घर नहीं जा रही हूँ, तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मिस्टर याकूब प्लातोनोविच, मैं गोदाम पर जा रहा था। दरअसल ये यरोशका कोई भी कहानी बना रहा है। मिस्टर बिंसानोव ने जानबूझकर घर का रीडेकोरेशन करवाया था, वो भी ठीक उनके मरने से पहले। बीमार होने के बावजूद उन्होंने अपने दोनों हाथों से दिया था। यरोशका ने सिर्फ उनके लिए ईंटें उठाई थी और उनके लिए मोर्टार बनाया था। पेकोमोवना को भी घर में आने की अनुमति नहीं थी सिवाय रसोई के, और उसके तुरंत बाद यरोशका को निकाल दिया गया था। तुमसे ये सब कब कहा उसने? शराब की तीसरी बोतल पीने के बाद उसने मुझे एक राज की बात बताई। उस बूढ़ी औरत ने अपने पति को एक छुपने की जगह बनाने को कहा। वो शायद अपने शराबी दोस्तों को यही कहानी सुनाता होगा जो उसने तुमको अभी सुनाई है। एक शराबी का राज पिंजरे में हवा की तरह होता है। मैंने उससे उसके दोस्तों के बारे में सभी जानकारी ले ली है और उनका नाम और वो कैसे दिखते हैं वो सब लिखा। क्या उनमें से किसी को टीबी है? जी हाँ है। हाँ है ना? मैंने तुमसे क्या कहा था? गाड़ी यहाँ लाओ। देखिए, हमें सिर्फ उसका नाम पता है, लेनॉइड। जल्दी से गाड़ी में बैठो। रसगुलिया आज को चलो। तुम यहाँ हो, क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं तो क्यों? कुछ तो हुआ है। मैं वानिया के मालिये पर गया था, वहाँ पुलिस थी, उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया था। अरे नहीं, तुम वहाँ क्यों गए थे? लियो नहीं, तुम क्या करने वाले हो? मुझे शक है वानिया हमारी पोल खोल देगा। तुमने उसके साथ क्या किया? क्या किया तुमने उसके साथ? मैंने कुछ नहीं किया, मैं उसे गांव भेजना चाहता था। तुम्हें पता है उसे आज ही भेजना होगा। अगर पुलिस ने मुझे पकड़ लिया होता तो? नहीं, वो हमें नहीं ढूंढ रहे हैं, वो तुम्हें नहीं जानते हैं। उन्हें लगता है पाकुब मोहम्मदा ने ये सब विरासत पाने के लिए किया है। चिंता मत करो तुम, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हमें हमारे पैसे मिल जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। हाँ।
आपकी नौकरानी कहाँ है? उसने शहर जाने के लिए अनुमति ली थी। सारे सामान के साथ? नहीं, क्यों? उसने कहा उसे शहर में कुछ काम है। तुमने मेरा घर तहस नहस कर दिया है, सब कुछ उलट पुलट करके मुझे परेशान कर दिया है। एंटोन एंड्रेविच, दरवाजा खोलो। क्या आप हमें बता सकती हैं कि इसके अंदर क्या है? पैसे हैं, मेरे पैसे और मेरे सारे कीमती जेवर रखे हुए हैं। जब मैंने आपसे पहले पूछा तब आपने मुझे क्यों नहीं बताया? लेकिन मैं तुम्हें क्यों बताऊं? कोई आपके इन पैसों के पीछे पड़ा हुआ है मैम। क्या आपने उस लड़के को इस बारे में कुछ बताया था? हाँ, पेत्रुशा ने एक बार मुझसे कहा था कि माँ आप कितनी गरीब हो गई हैं। मुझे याद है आपके पास बहुत कीमती जेवर हैं। मैंने हंसकर उससे कहा वो सब मैंने छुपा दिए हैं। तुम्हारे कमरे में एक कोने में सब छुपा दिए हैं। एंटोन एंड्रेविच, हथौड़ी लाओ, हमें इसे तोड़ना होगा। थैंक यू एना। कोई नहीं है, शायद सब सो गए हैं। हाँ, सब सो गए, मैंने उन्हें नींद की दवाई पिला दी है। चलो जल्दी आ जाओ। हिलना नहीं, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। वहीं खड़े रहो, उसे नीचे रख दो। आपको दिखाई नहीं दे रहा, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसे डॉक्टर की जरूरत है। उस बुढ़िया को पैसों की क्या जरूरत है बताइए। हाँ, तुम्हें ज्यादा जरूरत है। इसे छुपाने के लिए तुम्हें कितना समय लगा? हाँ,
समय निकल रहा था, मैंने बहुत मेहनत की पर मैं कुछ पता नहीं कर पाई। और तुम्हें उस लड़के की जरूरत पड़ गई है ना? ततारिनोव के घर में वैसे भी बहुत गड़बड़ चल रही थी। दो बूढ़ी औरतों को मारना और घर पर चोरी करना दो अलग बातें होती हैं, मगर तुमने ये सब आसानी से कर लिया। तुमने उन्हें नींद की गोलियां दी और इसे अंदर आने का मौका दिया। उसके बाद क्या हुआ मुझे बताओ। पर सीनिया ने नींद की गोलियां नहीं खाई थी, उस रात तो वो भागने वाली थी और उसने हमें देख लिया था। हमें रुकना चाहिए था। उसे किसने मारा? तुमने? हमें डर था कि हम किसी को मारना नहीं चाहते थे, गलती से हो गया था। तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, मैं कसम खाकर कहता हूं, मैं नहीं। उसे अंदर लेकर आओ। इन दोनों को देखो, क्या इन दोनों ने तुम्हें अपने पास बुलाया और फिर तुम्हें कहा कि उस बूढ़ी औरत को मां बोलो, फिर तुम वहां बार बार जाने लगे। तुम्हें वहां जाना पसंद था, वो औरत तुम्हें अच्छी लगती थी। वो औरत बहुत अच्छी है। और पाखोमूवना? पाखोमूवना भी अच्छी है, अच्छी थी। फिर ये दोनों तुम्हें कहां लेकर गए थे? ये लोग मुझे सौरत के पास लेके आए। और तुमने क्या देखा? लियोनिड ने पखों बना के सर पर मारा। ये झूठ बोल रहा है। अब मुझे ये बताओ कि तुमने इसके पास क्या देखा था। उसके पास चाकू था, मैंने देखा। वो एक छोटा बच्चा है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? लेके जाओ इसे। मैं जल्दी मरने वाला हूँ, क्या तुम जानती हो? थैंक यू याको, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ये तो मेरा फर्ज था। आप बच्चे का ख्याल रखिएगा, ये एक अनाथ बच्चा है, इसे परिवार की जरूरत। कोई बात नहीं, मैं इसे अपनी तरफ से बहुत प्यार दूंगी। तुम चाय पियोगे? नहीं, थैंक यू वेरी मच। नहीं, मुझे अभी जाना होगा। ठीक है। वानिया, आराम से बेटा, आराम से, आराम से खाओ, जल्दबाजी मत करो, ऐसे ही खाओ, अच्छे बच्चे। हेलो, याकूब प्लेटनविच। कैसी हो तुम? तुम्हें यहाँ देखकर काफी खुशी हुई। मैं तुम्हारी बात मानकर यहाँ मिलने चला आया क्योंकि किसी को आत्माएं दिखती हैं। तुम्हारी बात कैसे टाल सकता हूँ? एना, अच्छी बात यह है कि अब वो अंधविश्वास नहीं करती। अच्छा, तुम सच कह रहे हो क्या? एक चमत्कारी परिवर्तन। हाँ, मैं वानिया के पास जा रही हूँ। मैं उसे ग्रामर सिखा रही हूँ और उसे स्कूल के लिए तैयार कर रही हूँ। अच्छा कर रही हो। जैसा कि तुम्हें पता है कि ये आत्मा भौतिकवादी है। तो आखिरकार इन आत्माओं को पुलिस की मदद की जरूरत पड़ ही गई। मैं आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। याकूब प्लेटनविच, मुझे तुम्हारे गुस्से की आदत पड़ चुकी है और तुम्हें मेरे ऑफिस में आने की। कुछ आदत हमें नहीं बदलनी चाहिए, पर जब भी तुम मेरे ऑफिस में आती हो किसी न किसी आत्मा का किस्सा लेकर ही आती हो, और हर बार मुझे केस सॉल्व करने में तुम्हारी मदद मिल जाती है ना। और इससे तुम लापरवाह होने से बच जाते हो। कभी कभी लापरवाही काम आ जाती है। कभी कभी तुम कुछ ज्यादा ही शक करने लग जाते हो। आखिर मैं भौतिकवादी हूँ, जो सामने होता है मैं सिर्फ उस पर भरोसा करता हूँ, बस इतनी सी बात है।
और लगाव का क्या? डिवोशन और प्यार, तुम्हें इस पे भरोसा है? वो मौजूद होते हैं भले ही तुम उन्हें छू नहीं सकते। मैं ऐसा कर सकता हूं, बस किसी को भरोसा होना चाहिए। मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए, वानिया इंतजार कर रही होगी। हाँ बिल्कुल, तुम्हें जाना चाहिए। अच्छा तो है ना, फिर मिलेंगे। गुड बाय। गुड बाय। गाड़ी चलाओ।